हम जिस पे एक बार रिवाइज कर लेंगे कि एक्सेस क्लासेस में लोकेशन स्ट्रिंग्स जो जो थे सॉरी लोकेशन स्ट्रिंग्स जो आप लेजेंड में यूज़ करते हो एज अ लोकेशंस, तो आपके लोकेशन स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर एंड द राइट हैंड साइड आपके सारे लोकेशन कोड्स हैं, जीरो बेस्ट के लिए यूज़ करते थे एंड देन रेस्पेक्टिवली नंबर्स दिए हुए हैं. कैरेक्टर कलर इज देयर राइट यू यूज ओवर देयर, देन द कलर्स आर देयर गिवन. सिमिलरली कैरेक्टर मार्कर्स आर देयर, व्हाट पर्टिकुलर मार्कर्स आर देयर एंड फॉर व्हाट मार्कर्स नेम आर गिवन, सेम एज फॉर द लाइन. ओके दिस इज डबल डैश लाइन, लेट मी जस्ट ज़ूम इन. विजिबल है ना स्क्रीन सबको? दिस इज डबल डैश. ओके इट्स नॉट लुकिंग डबल डैश. ओके इट्स जस्ट सिंगल डैश. ओके डबल डैश इज देयर एंड देन वी मेड अ ग्राफ विथ लाइक वेरी सिमिलर थिंग्स लाइक मार्कर एज कलर लाइन स्टाइल मार्कर कलर. ओके दैट्स ऑल दीज एंड देन वी जस्ट लुक ऑन टू बी सिंपल. ओके दिस इज नॉट वी डिडंट डू दिस जस्ट फॉर अ सैंपल. ओके ऑलराइट so today again let's start the things. So we'll be going with the multi plots today. Okay, so the very first thing here to learn is how to create multiple subplots on same canvas. Okay, so subplot function basically here is the motto of our topic. Okay, so let's quickly import just for a minute. Let me have a look. Yes, just a minute. So subplot functions particularly returns the axis object at a given grid positions. Okay, जैसा कि subplot हम लिखते हैं तो plt dot करके आप कुछ भी function लिख देते हो, है ना, जो भी आपके required particularly module से जो भी functions होते हैं आप plt dot करके function लिखते हो, है ना, जैसे plotting हो गया या axis हो गया या labeling करना हो. ठीक है, just a minute, tab is not working actually. Is इसमें टैब काम नहीं कर रहा है, इसे चेक करना है. तो हाँ चलो चल रहा है. तो व्हाई इट्स नॉट शोइंग द फंक्शंस? सब प्लॉट. ओके तो plt डॉट सब प्लॉट का फंक्शन है. ठीक है, तो पर्टिकुलरली पहले तो आप पैरामीटर्स दोगे तभी जाके प्लॉटिंग्स आएंगी. आपने लिखा जो ये सब प्लॉटिंग अभी आपने कुछ नहीं लिखा है. ठीक है, तो सब प्लॉट में यू हैव नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स देन द इंडेक्स. ठीक है, अभी एक फिगर ड्रॉ करेंगे एंड उसमें सिर्फ अभी बॉक्स बनाएंगे. ओके नथिंग मोर देन दैट, सिर्फ एक बॉक्स रहेगा अभी प्लॉटिंग सिंपल सा. ठीक है, सब देखते हैं. तो plt देखो मैं आपको बता रहा हूँ सिंटेक्स के साथ चलता है. plt डॉट सब प्लॉट, ठीक है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इंडेक्स, दिस इज द सिंटेक्स. ठीक है, तो सब प्लॉट के अंदर आपको ये सारी चीजें लिखने पड़ती है. ठीक है, एक सिंपल सा प्लॉटिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो क्रिएटिंग एनी सब प्लॉट विल डिलीट एनी प्री एग्जिस्टिंग सब प्लॉट्स. ठीक है, एक आप सब प्लॉट क्रिएट किए
मान लो कि आप एक सब प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, जिसका साइज होगा 133, या आप ले लो 233, ये साइज है, ठीक है। तो 233 मीन्स नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 एंड इंडेक्स इक्वल्स टू 3, समझ गए। या 231 मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स का फर्स्ट ग्राफ, 2 रोज 3 कॉलम्स का सेकेंड ग्राफ, ऐसा अभी बनाएंगे, समझ जाओगे। तो एक सिंपल सा क्रिएट करते हैं, प्लॉटिंग अ ग्राफ, लाइन ग्राफ ले लेते हैं, पहला नॉर्मल सब प्लॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा लिखा plt डॉट प्लॉट, मैंने लिख दिया 1 2 3, सिंपल सा है ना, सिर्फ 1 2 3 को प्लॉट कर रहे, किसी के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे, सिर्फ 1 2 एंड 3 प्लॉट कर रहे कि लाइंस क्या होने चाहिए, 1 पे आना चाहिए, 2 पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए, बस सिंपल सा। अब वी कैन क्रिएट द सब प्लॉट विच रिप्रेजेंट्स द टॉप प्लॉट ऑफ द ग्रिड विद 2 रोज and the same subplot with the first and the second of the axis. कैसे? चलो, अब अगर हमने लिखा plt dot subplot, ठीक है, मैंने लिख दिया 2 1 1, समझो 2 1 1 लिखा मैंने, तो plt dot plot रेंज ऑफ 12 मीन्स 0 to 11 नंबर्स आएंगे, ठीक है। 2 1 1 समझ जाओ क्या लिखा, 2 1 1 का मतलब क्या होगा बताओ, 2 रोज 1 कॉलम एंड फर्स्ट ग्राफ, क्लियर है, ऐसा लिख दो क्या, n रोज इक्वल्स टू 2, n कॉल्स इक्वल्स टू 1, इंडेक्स इक्वल्स टू 1, अभी क्लियर है, या देन plt डॉट सब प्लॉट एंड नेक्स्ट प्लॉटिंग करते हैं, तो 2 1 2 लिखेंगे क्योंकि 2 रो 1 कॉलम एंड सेकेंड ग्राफ, ठीक है, सेकेंड ग्राफ में विल राइट फेस कलर ऑफ द ग्राफ एज एम, ठीक है, राइट। चलो एम plt डॉट प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करना है, रेंज ऑफ 12, ठीक है। तो क्या प्लॉट कर रहे हैं अभी हम, सेम नंबर्स क्या प्लॉट करने वाले हैं, 0 to 11, ओके, यहाँ पे भी 0 to 11 प्लॉटिंग होगा एंड रेंज ऑफ 12, ठीक है, रेंज ऑफ 12 0 to 11 अभी प्लॉटिंग होगा यहाँ पर। तो सब प्लॉट यू हैव रिटन दैट दिस इज द सब प्लॉट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज ऑफ 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड इंडेक्स 1, and after writing this, after defining that this is a subplot, you are writing that what the plot will contain, so it will contain a range of numbers from 0 to 11, the next subplot with the 2 rows 1 column and second index or the second plotting, you can say phase color m means magenta color will be coming, okay, plot and then run it. Some errors, what is this subplot n columns, okay. For this, now I'm not taking it here as parameters. Okay, इसको भी हटा देते हैं. Run करो. So what do you see? A graph. Okay. What do you see? Two rows हैं, है ना? One particular column है. समझ में आ रही है बात? और zero से लेकर 11 तक plotting हुआ है. क्लियर है, yes, है ना। चलो एक और प्लॉटिंग करते हैं, अगर मैंने लिखा फिगर इक्वल्स टू plt डॉट फिगर, फिगर हमने पढ़ लिया है ना, अभी पहला एक्सेस क्रिएट करेंगे, सिंपल सा लिख देते हैं फिगर डॉट एड एक्सेस, पढ़ा है ये भी हमने, ठीक है, तो एड एक्सेस या एड सब प्लॉट कर देते हैं।
सब प्लॉट ऐड करेंगे फिगर में, वन 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 दे दिया, तो वन रो वन कॉलम एक ही में आप कैसे करोगे ऐड, देखते हैं। एक ही ग्राफ में आप अगर दो मल्टीपल प्लॉट्स करते हो कैसे करोगे, तो ए एक्स वन डॉट प्लॉट, अच्छा आपने फिगर दे दिया, ठीक है, आप यहाँ पे पी एल टी भी लिख सकते हो, सिंपल सा, दर इज़ नो सच मोर डिफरेंस। तो आपने दे दिया क्या 11, 22, 33, ठीक है, ax2 बनाया आपने, उसमें भी आपने दिया कि सेम फिगर में एड द सब प्लॉट, भी एक ही फिगर में आप कैसे ऐड करोगे, तो उसी सेम फिगर में आपको सब प्लॉट ऐड करना है। अब ये होगा 2, 2, 1, ठीक है, इसका मतलब समझ में आया, 2, 2, 1 का मतलब टू रोज टू कॉलम्स एंड वन इंडेक्स, समझ में आई बात, चल प्लॉट करते हैं। तो ए एक्स टू, एक ही फिगर में हाउ यू विल मेक दिस, तो ए एक्स टू होगा जिसमें टू रोज होंगे और टू कॉलम्स भी होंगे, बट इमेज एक होगा, फर्स्ट इमेज है, ठीक है, तो ए एक्स टू, अब इसमें भी 11, 22, 33 प्लॉट करो, तो आपको दिख रहा है सेम प्लॉटिंग विदाउट कोई डाउट है क्या? अच्छा चलो एक काम करते हैं, नंपाई आगे हम पढ़ेंगे, एक सिमिलर ग्राफ और दिखा देते हैं यहीं पे। लेट्स से हमने ले लिया एक्स को कुछ नंबर्स ले लेते हैं 0 से मैथ्स डॉट पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 और 0.05 के इंटरवल्स में ले लेते हैं, तो एक्स आपको क्या मिलेगा? अच्छा मैथ्स नहीं इंपोर्ट किया गया, तो एक्स आपको क्या मिलेगा? ये सारे नंबर्स 0 से लेकर 0, आपका मैथ्स डॉट पाई का जो भी वैल्यू होता है मल्टीप्लाइड बाई 2 करके, उसके 0.05 के इंटरवल्स में आपको वैल्यूज मिल गए, ठीक है। अभी एक सिंपल सा काम करते हैं, वापस से एक फिगर क्रिएट करते हैं, कैसे करेंगे, पी एल टी डॉट फिगर, अब सेम फिगर पे यही सेम ऑपरेशन अभी जो यहाँ पे किए वही सेम एज इट इज वी विल बी राइटिंग अप हियर, ओके ओके लेट्स से लेट्स से द फर्स्ट वन आई विल राइट एक्स वन, ओके फिग डॉट सब प्लॉट, this would be okay subplot should be making it as one 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 let's say okay the same okay I'm just copying it and pasting it here will be much easier to understand chalo एक्स वन को हमने दे दिया प्लॉट, अभी क्या प्लॉट करेंगे यहाँ पे, मैं प्लॉट कर दूंगा एन पी डॉट, ठीक है एन पी डॉट साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूंगा एन पी डॉट कॉस ऑफ एक्स, प्लॉट करो तो आपको देखा वैल्यूज साइन ऑफ एक्स एंड ये मिल गया, वैल्यूज मिल गया ना, इनको थोड़ा सा मॉडिफाई इन करेंगे, अच्छा फेस कलर हटा देते हैं तो ओवरलैप हो रहा है फिलहाल, है ना, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे इस पर, ठीक है, तो फिगर के एक्सेस हमने पढ़ा है, तो कैसे करेंगे, एक्स वन फिगर में ऐड एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में हमने पढ़ा क्या, एक रेक्टेंगल होता है जिसपे यू गिव लोअर बॉटम वैल्यूज, है ना, तो हमने दे दिया क्या 0.1, 0.1, 0.8, 0.8, आप अपने कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली आप अपना वैल्यूज दे सकते हैं,
ठीक है, चलो एक्स टू फिगर डॉट एड एक्सेस जीरो पॉइंट फाइव फाइव जीरो पॉइंट फाइव फाइव जीरो पॉइंट थ्री एंड जीरो पॉइंट थ्री ऐसा ले लेते हैं। तो दो एक्सेस हमने बना लिया और एक एक्सेस के अंदर हमने दूसरा एक्सेस को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अभी एक्स हमारे पास है, अब क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं, तो ए एक्स वन डॉट प्लॉट। अच्छा, आपको उससे पहले आप जैसे प्लॉटिंग कर रहे हो तो सिमिलर एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट कर रहे हो, आप सब प्लॉट दोगे तो ऐसा प्लॉटिंग आएगा आपका। अभी नहीं दे रहे हो सब प्लॉट तो सी हाउ इट कम्स। ओके, तो एक्सेस वन में हम प्लॉटिंग करेंगे किसका, एक्स वर्सेस एन पी डॉट साइन ऑफ एक्स। ऐसा, ठीक है, एंड लेट्स से हमने दे दिया इसको ब्लू कलर। फिर ए एक्स टू को प्लॉट करेंगे एक्स वर्सेस एन पी डॉट कॉस ऑफ एक्स, और इसको हमने दे दिया रेड कलर। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई करना तो इज वेरी इजी, प्लॉटिंग कर दिया हो तो पी एल टी डॉट शो कर दो, यू विल आइडेंटिफाई द ग्राफ्स। अच्छा, प्लॉट नहीं हुआ क्या, एक मिनट, शो क्यों नहीं किया, एक्स डॉट वन, तो आपको भी दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, है ना, जो कि वैल्यूज कंटेन कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब आप सोचोगे सर इसका क्या डिफरेंस है, अगर हम इसको 0.2 कर दे तो आप देखो डिफरेंस क्या रहा। अच्छा, इसको 0.9 कर दे सर तो क्या डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा, समझे। जो आप शेप्स लेते हो, फर्स्ट टू आपको सेम लेना है, नेक्स्ट टू आपको सेम। अच्छा, आप फिर बोलोगे सर क्यों हम 1 1 क्यों नहीं रख सकते, 1 1 0 0 रख देते हैं, ऐसा तो रखो, है ना, ये प्रॉब्लम, क्योंकि ग्राफ इज बिग, समझे। तो आपको जो सेकंड ग्राफ है उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज रखना पड़ेगा। आपने नीचे वाले का 0 पॉइंट में रखा है, पहले वाले का ग्रेटर कर दोगे एकदम सा तो अभी इनको वी कैन ऑल्सो गिव नेम्स। नेम्स तो हमने देखा है किस तरह से आप लिख सकते हो। एक्सेस वन है उसका आपको टाइटल शो करना है, तो एक्सेस वन कौन सा, एक्सेस वन ने क्या प्लॉट किया, साइन किया, तो साइन प्लॉटिंग आप लिख सकते हो, है ना। और सेम आप एक्सेस टू के लिए भी सेट कर सकते हो टाइटल, एंड उसको आप बोल सकते हो कोसाइन। तो आप रन करोगे तो साइन और कोसाइन ग्राफ्स आ जाएंगे आपके पास। Alright, I think it's clear. ठीक है, तो सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पर आप प्लॉटिंग करते हो। ठीक है, अभी जैसे इफ यू वॉन्ट टू लुक, जैसे साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, टैन ग्राफ, ठीक है, इन सारे ग्राफ्स को देखते हैं अगर, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो एक्स को लग से एन पी डॉट अरेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, तो अभी एक्सेस क्रिएट करेंगे सब प्लॉट्स। तो मैंने लिख दिया फिगर इक्वल्स टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट। अभी सब प्लॉट्स ले रहे हैं, नॉट सब प्लॉट। ठीक है, अब देखो सब प्लॉट था अभी तक, वी आर टेकिंग नाउ सब प्लॉट्स, 2x2 लिखा मैंने। तो अभी क्या दिखे आपको, 2 rows 2 columns का सब प्लॉट आ गया, क्लियर है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एनी डाउट्स, इस पे कोई डाउट है क्या? नो सर, है ना। तो फिगर एंड एक्सेस क्रिएट किया, तो ए इज डिनोटेड फॉर द एक्सेस और एक फिगर क्रिएट हो गया, इन दोनों का एक फिगर बन गया व्हिच इज हैविंग 2 rows and 2 columns। अभी इन पे वी नीड टू गिव द वैल्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, इंडेक्सिंग हमने पढ़ा है पाइथन में भी, है ना, इंडेक्सिंग इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अभी इसका इंडेक्सिंग करना हो फर्स्ट रो का, तो फर्स्ट रो का 0 क्या होगा, फर्स्ट प्लॉट, तो ए ऑफ 0 अगर मैं लिखूं तो ए ऑफ 0 विल बी दिस ग्राफ,
a of 1 will be this graph. Achha, a of 0 is this complete and a of 1 is this complete, right? So a of 0 of 0 will be this and a of 0 of 1 will be this. Similarly, a of 1 of 0 will be this and 1 of 1 will be this. Clear hai na? 0 ka 0 hoga sabse pehla wala, then 0 ka 1 hoga uske next wala. 1 of 0 will be the below first and then 1 of 1 will be the last graph. Simple. Hai na clear? So chal, we'll give points to this or values to this. So a of 0 mein humne likh diya ki plot karo. We need to plot a of 0 mein. We are plotting. Achha, yahan se exit karte hain. तो लेट्स से मैंने प्लॉट किया x वर्सेस np डॉट साइन ऑफ x ऐसा. क्लियर है? तो सिर्फ फर्स्ट में आया प्लॉटिंग, देखो. ठीक है, या मैंने लिख दिया x वर्सेस x स्क्वायर, तो ये है प्लॉटिंग, राइट? एनी डाउट्स? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं ना, क्लियर है ना? जीरो ऑफ जीरो इज क्लियर आई थिंक. हाँ चलो, तो सिमिलरली ए ऑफ जीरो ऑफ वन में अगर मैंने लिख दिया plt डॉट प्लॉट एक्स वर्सेस np साइन ऑफ x, तो अभी ऊपर के दो प्लॉटिंग्स हो गए. सिमिलरली ए ऑफ 1 of 0 पे हमने लिख दिया डॉट प्लॉट, इसमें मैंने लिख दिया np डॉट cos of x, cos of x आया. a of 1 of 0 डॉट सबप्लॉट np डॉट tan of x, tan of x आया. ओह सॉरी, 1 of 1 में होना चाहिए, वन ऑफ वन में टेन का प्लॉटिंग आ गया. ठीक है, वैल्यूज बहुत ही मीस लिया गया है, तो थोड़ा एनहेंस कर देंगे अगर इसको, तो वैरी करेगा वैल्यूज, ग्राफ्स विल वैरी ऑटोमेटिकली. ठीक है, क्लियर हुई बात है? अच्छा, 2x2 हमने लिख दिया, इसको अगर लिख दे 3x3 तो कैसे ग्राफ्स बनेंगे? कुछ इस तरह के. क्लियर हो रही ना बात? 3x2 लिख दिया तो 3 rows में 2 columns क्रिएट हो जाएंगे. अब इनको मिनी प्लॉट्स में लिख दो, 3x10 लिख दिया अगर, तो आप ग्राफ देखो कितने स्मॉलर यूनिट्स के ग्राफ आपको दिखेंगे. अगर आपको स्पेसिंग्स इंक्रीज करने पड़ेंगे ना, अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा वैसे. ठीक है, तो वी आर वर्किंग ऑन 2x2, हमको मिल गए. अभी हर ग्राफ के बाद यू कैन असाइन अ नेम टू द ग्राफ, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइन कौन सा क्या है, है ना? तो सेट टाइटल, व्हिच ग्राफ इज दिस, पहला वाला हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर रूट या स्क्वायर बोल दो ए ऑफ 0 ऑफ 1, इसको सेट करेंगे टाइटल. ये कौन सा ग्राफ है? साइन ग्राफ है. ए ऑफ 0 ऑफ 1, इसको सेट करेंगे टाइटल. कौन सा ग्राफ है? वो साइन ग्राफ है. ये लाइन नीचे आएगा, 1 of 0 होगा एक्चुअली ये. क्लियर हो गया ना? ये 1 0 का कंसेप्ट जो भी चल रहा है, कुछ नहीं है, नॉर्मल इंडेक्सिंग किया गया है, बस ओनली सिंपल इंडेक्सिंग आर बीइंग डन. इट्स वेरी इजी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द नंबर्स. Set title, x is subplot is, oh okay, and at last you can write, for removing that text 0.5 1.0 value, you can just write plt dot show. ये सारे values आपको show हो रहे हैं जो भी जैसे plot हुए हैं. ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसके बाद
ओके अभी देखो हमने 5x10 किया तो कुछ चेंजेस आए क्या? 10x10 करेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे क्या? सारे एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना? थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 10x20, नहीं हो रहे चेंजेस सिस्टम में। अच्छा इसको हटा दे तो एनी चेंजेस आ गए कोइंसाइड कर रहा है जस्ट मिनट में फिक्स साइज देने के बाद फिगर को ए दिया हुआ है ना यहाँ पर फिक्स साइज इंप्रूव करके देखते हैं आई थिंक इट वुड वर्क है बाहर से तो नहीं वर्क कर रहा शायद यहाँ से इंक्रीज या कर दिया फाइव क्रॉस फाइव पे नहीं देना है 3x5 दे देते हैं अच्छा सॉरी 4x2 वुड फाइन इट्स वर्किंग नहीं 8x2 इच के स्पेसेस इट्स नॉट कमिंग I need spaces in between height and width. Why they are coming with the titles? Grid spacing is 20 ratios height ratios within that's not to be okay now Okay, let it be, have to see what's not coinciding, what's coinciding, let it be like this. Okay, so itna clear ho gaya na, fix size tak I guess is clear, topics, and the subplots ka bhi clear ho gaya, isi ke accordingly you have things printed on your, you know, like, jo bhi grids aapko dikh raha hai, isi ke accordingly you have printings on like newspaper cuttings and all. सब प्लॉट ग्रिड्स होते हैं तो डबल प्लॉटिंग ग्रिड्स भी की जाती है वहाँ पे है ना लाइक यू से इट हैज टू बी सब प्लॉट टू ग्रिड है ना सब प्लॉट टू ग्रिड फंक्शन होता है पर्टिकुलरली उसका ओके तो दिस सब प्लॉट टू ग्रिड फंक्शन जो होता है ना इसमें आप इंप्रूवमेंट देखोगे इसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने देखा अभी ठीक है दिस फंक्शन विल गिव यू मोर फ्लेक्सीबिलिटी कोई भी एक्सेस आप क्रिएट करते हो एक स्पेसिफिक लोकेशन के अकॉर्डिंगली तो इसका एक सेकेंड लेट मी हैव टू राइट है इट्स सब प्लॉट टू ग्रिड ठीक है चलो अच्छी तो इसका सिंटेक्स क्या पहले वो लिख देते हैं PLT डॉट सब प्लॉट
सब प्लॉट टू क्रिएट अच्छा उसके बाद आप दोगे शेप में देना लोकेशन यू विल गिव द लोकेशंस यू कैन आल्सो गिव द रो स्पैन एंड दिस इज आर ओ डब्ल्यू एस पी एन एंड कॉल स्पैन दिस इज यू हैव टू राइट व्हाट यू विल बी राइटिंग ठीक है चल आगे लेट्स सी नेक्स्ट तो 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 अकॉर्डिंगली आप यू कैन क्रिएट द ग्राफ्स जो भी अब ऊपर में ग्राफ क्रिएट किए हैं सेम ग्राफ नीचे भी क्रिएट करके चेक कर लेते हैं है ना चलो ठीक तो यहाँ पे एक्सेस एंड ग्राफ्स अकॉर्डिंगली देंगे तो ए वन लेट्स से है बी ए वन एंड ए टू वी कैन जस्ट गिव द नेम्स अकॉर्डिंगली ठीक है तो ए वन में हमने दिया पी एल टी डॉट सब सब प्लॉट टू ग्रिड ठीक है अब देखो आपको देना है यहाँ पे क्या शेप तो पहला शेप क्या होना चाहिए तो लेट्स से इफ वी आर मेकिंग अ मैट्रिक्स जैसे 3x3 का मैट्रिक्स किया या 2x2 का किया तो 2x2 का किया ठीक है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए अंदर बात को है ना शेप आपका क्या हो गया 2 रोज एंड 2 कॉलम्स अभी आप लोकेशन दोगे कि कौन सा लोकेशन है ठीक है तो मैंने दे दिया लोकेशन 0x0 0x0 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट ग्राफ कॉल स्पैन देना है कॉल स्पैन दे दो तो कॉल स्पैन में मैंने क्या दे दिया मैंने दे दिया 2 कितने कॉलम्स होने चाहिए कॉल स्पैन कितने अच्छा सिर्फ ऐसा रन करेंगे तो क्या दिखा आपको ये एक ग्राफ दिखा सिंपल है ना अभी इसमें प्लॉट क्या करना है चलो इसके सेम अकॉर्डिंगली मैं ए टू भी क्रिएट कर पहले तो सिर्फ ग्राफ आप देखो कैसे आइडेंटिफाई कैसे आप प्लॉट करते हो तो ये 2x2 का था मैंने किया 0x1 रन किया तो कॉल स्पैन 0x2 रोज पैन को चेंज कर देते हैं रोज पैन को हमने दे दिया 1 अब सॉरी 3 आएगा नहीं सॉरी 2 आएगा 1 मिसिंग रिक्वायरमेंट्स लोकेशंस एन सब प्लॉट टू ग्रिड कौन सी लाइन पे सेकंड लाइन पे ना लोकेशन I cannot run back non-iterable integer objects. ठीक है. Span 0x0. Non-iterable ही आ रहा है. चलो 3x3 का create करते हैं. शेप लेट इट बी 3x3 लोकेशन दे देते हैं 0x2 रो स्पैन देते हैं 3 चलो ठीक है A3 पेस्ट किया A3 के लिए पहले ग्राफ देख लो फिर प्लॉटिंग समझ करते हैं तो 3x3 में अभी आई नीड द फर्स्ट वन वन ऑफ जीरो करेंगे ना ये नेक्स्ट रो मुझे चाहिए और उसका फर्स्ट ग्राफ चाहिए 1 of 0 ठीक है तो कॉल स्पैन नहीं लिख रहा हूँ अभी कॉल स्पैन पे लेट इट बी 2 सेकेंड वाले पे ही चाहिए मुझे ठीक है कॉल स्पैन लेट इट बी 2 एंड रो स्पैन को मैं दे देता हूँ 2 सेकेंड तो कॉल स्पैन क्यों नहीं आ रहा फिर ये इस तरह का कुछ ग्राफ क्लियर हो रहा है क्या 3x3 पे आपने 0x0 दिया तो ये आया था उसका कॉल स्पैन आपने 2 दिया था ठीक है तो आपको क्लियर है ना कॉल स्पैन क्या होता है ना तो 3x3 ग्रिड दिस इज द फिगर ऑफ 3x3 ग्रिड
okay, where object is filled with the access objects, varying sizes in the rows and the column spans. ठीक है, चलो तो अभी प्लॉटिंग कर देंगे. सेम प्लॉट्स यहाँ से लेकर आते हैं, एक्सेस तो दिए हुए हैं, सिर्फ प्लॉट कर देते हैं. कैसे? A1 डॉट प्लॉट x वर्सेस, अच्छा x हमने डिफाइन किया गया, x हमारे पास पहले से दिया हुआ है. ठीक है, तो x वर्सेस np डॉट साइन ऑफ x, ऐसा प्लॉट कर दिया. सिंपल है. A1 डॉट सेट टाइटल साइन मिला, सिंपल. A2 डॉट प्लॉट x वर्सेस np डॉट cos ऑफ x, A2 डॉट सेट टाइटल कोसाइन, A3 डॉट प्लॉट x वर्सेस np डॉट tan ऑफ x. np हम numpy से लेकर आ रहे हैं, इसके बाद हम numpy पढ़ेंगे बाद में. numpy and simply we have to study. And plotting, then you set the title tangent. ठीक है, plt dot show the figure. Again, team missing is there. So you have sine, cos and tangent accordingly. ठीक है, जैसा कि आपको चाहिए. या कोसाइन इज नॉट लुकिंग गुड, देयर सो आप स्क्वायर ले सकते हो एक्स का. अच्छा, तीसरे में आप स्क्वायर ले लो. ठीक है, और आप उसको दे दो नेम एक्स स्क्वायर. फिर आप यू कैन टेक एनपी डॉट log 10 of x, so you can name it as sorry log. Okay, sine, log, square values accordingly you can take. When we are talking about grids, so grids is also very important. Subplots में जैसा हमने देखा है fixed size improve किया, grids के भी size कैसे improve करते हैं चलो देखते. तो अभी हमने देखा था कि जैसे साइज इंक्रीज करना है, कैसे किए थे, फिगर एंड एक्सेस को अगर लिखते हैं. ठीक है, तो सेम अकॉर्डिंगली मैं पोस्ट एक्सेस लूँगा. ए इक्वल्स पी एल टी डॉट सब प्लॉट्स, क्योंकि वी नीड लॉट ऑफ ग्रिड्स, तो सब प्लॉट्स. अच्छा, सब प्लॉट टू ग्रिड क्यों लोगे? क्योंकि आप यहाँ पर यू आर कन्वर्टिंग और यू आर रीशेपिंग योर ग्रिड्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, you are changing the shape and the column span and row span of the grids accordingly. ठीक है, तब you are required to use subplot to grid. Otherwise, आप subplots से भी you can use a lot of things. Okay? तो subplots में let's say one particular row and three columns. Okay? और one particular row with or two particular row with the columns accordingly. देखते हैं, पहले 1-3 करते हैं, फिर next पे जाएंगे. ठीक है, तो 1-3 किया हमने, फिर हम लेते फिक्स साइज, फिक्स साइज को इंक्रीज करते थोड़ा. तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एंट्री डॉट फिगर, हाँ व्हाट्स द प्रॉब्लम? फिक्स साइज है ना. तो फिगर, ये फिगर क्रिएट हो गया विद साइजेस 12x4. क्लियर है? एनी प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर सिंगल लाइन में? एनी प्रॉब्लम इज देयर? एक सब प्लॉट क्रिएट किए हैं जिसमें वन रो थ्री कॉलम्स बन रहे हैं. फिगर साइज इज हैविंग 12x4, 12 इंचेस क्रॉस 4 इंचेस. ठीक है, चलो तो एक्स का वैल्यू हमारे पास है. एक्स का वैल्यू क्या है? 1 to 9, सिंपल. ओके, तो ए ऑफ जीरो, अगेन द सेम थिंग, डॉट प्लॉट. अभी वी डोंट हैव मच नंबर ऑफ रोज, तो सिर्फ ए ऑफ जीरो ले लेंगे, क्योंकि वी हैव ओनली वन रो देयर. तो ए ऑफ जीरो में प्लॉट करते एक्स वर्सेस एक्स स्क्वायर. ठीक है, विथ ग्रीन लाइन एंड लाइन विथ विल बी 2. प्लॉट करते, अच्छा दिस
तो एक्स स्क्वायर प्लॉट हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लॉट हो गया, लाइन विड्थ 2 हो गया एंड ग्रीन कलर. अभी वी कैन राइट ए एक्स ऑफ 0 डॉट ग्रिड ट्रू, सॉरी ए, तो एक ट्रू ग्रिड फॉर्म हुआ, ग्रिड आया. ठीक है, ग्रिड के क्या एट्रीब्यूट से देखते हैं. फिर हमने लिया ए ऑफ 1 डॉट, प्लॉट किया वैल्यूज कैसे. ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका हमने टाइटल भी सेट कर दिया. तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट ग्रिड. ठीक है, नेक्स्ट प्लॉटिंग करेंगे, सॉरी, एक्स वर्सेस एनपी डॉट क्यूब ऑफ एक्स और एक्स क्यूब. ठीक है, तो ए ऑफ 1 डॉट प्लॉट, अच्छा ग्रिड. अभी ग्रिड में चेंजेस करेंगे. ठीक है, तो ग्रिड में हमने दे दिया कलर इक्वल्स. अब ग्रिड का कलर चेंज कर देंगे, तो ग्रिड का कलर हमने दे दिया ब्लू. ठीक है, लाइन स्टाइल हमने दे दिया डैश्ड. लाइन विड्थ देना चाहते हो तो लाइन विड्थ भी दे दो. लाइन विड्थ हमने दे दिया 0.2. ठीक है, ए 1 डॉट सेट टाइटल. अब इस ग्रिड का नाम क्या देंगे हम, कस्टम ग्रिड, कस्टम ग्रिड स्लैश क्यूबिक वैल्यूज, क्यूबिक वैल्यू ऑफ एक्स, डिफॉल्ट ग्रिड स्लैश स्क्वायर वैल्यूज ऑफ एक्स. रन करेंगे तो वैल्यूज क्या दिख रहे हैं आपको, डिफॉल्ट ग्रिड स्क्वायर वैल्यूज ऑफ एक्स, कस्टम ग्रिड क्यूबिक वैल्यूज ऑफ एक्स. क्लियर हो रही क्या चीजें? हाँ सर, है ना. चलो ये इसके बाद का ए 3 और सॉरी 2 ले लो आप एंड इसको आप प्लॉट कर लो. एक्स वर्सेस एन पी, सॉरी एक्स टू द पावर 4 ले लो. ठीक है, या स्क्वायर रूट ले लो, एक्स टू द पावर 1/2.5. ठीक है, और ए ऑफ 2 डॉट ग्रिड. ठीक है, अब ग्रिड पे आपको कोई ग्रिड नहीं रखना है ना, तो आप नो ग्रिड, ग्रिड डालो ही मत. कोई ग्रिड नहीं रखने हैं तो आपने ग्रिड मत लिखो, सिर्फ सेट टाइटल कर लो. या कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज कर सकते हो. ठीक है, तो सेट टाइटल नो ग्रिड स्लैश स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ठीक है, अभी फिगर को टाइट लेआउट दे दो. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल गिव एवरी फिगर अ टाइट लेआउट. जैसे यहां पर है तो फिग डॉट दिस. ठीक है, अभी उतना हमने फिगर में FIG नाम दिया ना. ओके चलो, तो क्लियर है अभी. 6x4 ले लेते हैं, विल बी बेटर, क्लियर दिखेगा. अभी ओके है सारे ग्राफ्स. यस सर. ओके, एवरीथिंग इज ओके आई गेस. नाउ सब प्लॉट टू ग्रिड इज ओके, सब प्लॉट्स आर ओके. ओके, विदाउट ग्रिड हाउ इट लुक्स, विद कस्टम ग्रिड वैल्यूज हाउ इट लुक्स, एंड विद डिफॉल्ट ग्रिड वैल्यूज हाउ इट लुक्स. ओके, सब प्लॉट टू ग्रिड इज क्लियर. सब प्लॉट्स इज आल्सो आई गेस क्लियर फ्रॉम हियर. सब प्लॉट्स इज बीइंग देयर राइट, जस्ट अ मिनट. सब प्लॉट्स सब प्लॉट्स यहाँ से आया है एंड देन यहाँ से यह सब प्लॉट. मल्टी प्लॉट्स में सबसे पहला यू वेंट थ्रू द सब प्लॉटिंग्स.
सब प्लॉट हो गया हमारा, सब मल्टी प्लॉट्स हमने देख लिया किस तरह से मल्टी प्लॉट्स करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप जैसा यहाँ पे 1x3 लिखे हो, आप ऐसा 2x3 लिख देते तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स आते, ठीक है। तो जैसे अभी आपको क्या करना पड़ता, 0 of 0, 0 of 0, 0 of 0, 0 of 1, ठीक है। अभी तक ये सारे 0 of 0 पे जाते हैं, है ना। ऐसा ऐसा आप प्रिंट करोगे तो सारे के सारे 0 of 0 पे जाएंगे, समझ गए बात को। फिर आप 3 दिए हो तो अकॉर्डिंगली आपका नीचे के वैल्यूज भी आप प्रिंट कर सकते हो, आपको बस यहाँ से कॉपी करना है एंड देन आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी रिमूव कर दे रहा हूँ इसको, अंडरस्टैंडेबल है ना सबको, क्लियर। ओके चलो, तो विल डू टिल हेयर टुडे, आज के लिए इतना ओके है, ठीक है। 3 ग्राफ्स, फाइन, रिकॉर्डिंग।